2011 विश्व कप हर क्रिकेट प्रेमी की यादों का सबसे सुनहरा अध्याय है, जिसकी एक वजह भारत का विश्व विजेता बनना भी था, मगर एक बड़ी वजह और भी थी। वो वजह थी 2011 विश्व कप का भारत में होना, क्योंकि विश्व कप भारत में होने के चलते ही बहुत से नए क्रिकेट प्रेमियों ने छोटी टीमों के मैच भी करीब से देखे, जिसमें से एक मैच था इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड्स। हालांकि नीदरलैंड्स वो मैच हार गया था, मगर स्कूल से लेकर कॉलेज की कैंटीन तक नीदरलैंड्स के खिलाड़ी के गेम पर सब बात कर रहे थे। उस खिलाड़ी का नाम था रायन टेन डोशेट। इस चर्चा की वजह क्या थी, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, मगर यहाँ खास बात यह है कि एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो उस दिन के बाद से शायद ही रायन टेन डोशेट को भारत में कभी याद किया गया हो। मगर नारद टीवी की कमजोर टीमों के महान खिलाड़ी सीरीज के पहले एपिसोड में आपने कमेंट बॉक्स रायन टेन डोशेट के नाम से भर दिए और ये साबित किया कि अच्छे खिलाड़ी कभी भुलाए नहीं जाते हैं। पहले एपिसोड पर मिले आपके जबरदस्त रिस्पांस और कमेंट्स के बाद हम फिर लौट आए हैं कमजोर टीमों के महान खिलाड़ी का दूसरा एपिसोड लेकर। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, नारद टीवी हर खिलाड़ी के संघर्ष को महान मानता है, इसलिए पिछले भाग की तरह ये एपिसोड भी काउंट डाउन वीडियो नहीं है। हमारी आज की लिस्ट के पहले खिलाड़ी हैं माजिद हक, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक ऐसा देश जिसका नेशनल स्पोर्ट गोल्फ जैसा सोबर खेल है। उस देश से अच्छे दर्जे के क्रिकेट प्लेयर मिलने के आसार कम ही नजर आते हैं, मगर साल 1999 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने के बाद से स्कॉटलैंड ने विश्व क्रिकेट को कई बड़े नाम दिए, जिनमें से एक नाम है राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर माजिद खान। इस पाकिस्तानी स्कॉटिश प्लेयर को उतना सम्मान नहीं मिला जितना अन्य एसोसिएट क्रिकेटरों को मिला, जिसकी मुख्य वजह रही माजिद का बड़ी टीम के खिलाफ फीका प्रदर्शन। माजिद ने अपने 13 साल लंबे करियर में कुल 54 वनडे और 21 T20 मैचों में 24.02 की शानदार औसत से 88 विकेट लिए। हालांकि ये आंकड़े माजिद की असल प्रतिभा नहीं बताते हैं, क्योंकि माजिद ने अपने करियर के 90% मैच ऐसी पिचों पर खेले जो स्पिनर्स के लिए कब्रगाह थी, मगर उसके बावजूद माजिद ने 19 फर्स्ट क्लास मैचों में 22.41 की लाजवाब औसत से 60 विकेट लिए। माजिद को भले ही विश्व पटल पर कम ही लोग पहचानते हों, मगर मार्च 2008 में वार्विक शायर काउंटी क्रिकेट क्लब से जुड़ने से उन्हें इंग्लिश मैदानों पर खूब सपोर्ट मिला और दर्शकों द्वारा सराहा भी गया। हमारी इस लिस्ट का अगला नाम है थॉमस ओडोयो, केन्या। थॉमस ओडोयो को 1996 और 2003 विश्व कप में केन्या के करिश्माई प्रदर्शन का कर्णधार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि थॉमस ने कई नाजुक मौकों पर बैट और बॉल दोनों से मोर्चा संभालकर केन्या के लिए राह आसान की। इसके अलावा थॉमस ने अपने 18 साल लंबे क्रिकेट करियर में और भी बहुत सी यादगार पारियां खेली हैं। खास तौर पर थॉमस के 38 शतक के अलावा साल 1997 में टोनी सूजी के साथ उनकी 7 विकेट के लिए रिकॉर्ड 119 रनों की साझेदारी को आज भी याद किया जाता है। 1996 विश्व कप से करियर की शुरुआत करने वाले ओडोयो ने 136 वनडे मैचों में 2420 रन बनाने के साथ 145 विकेट भी लिए हैं। थॉमस बस एक राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज थे, मगर उनकी अच्छी लाइन लेंथ के आगे किसी भी बल्लेबाज के लिए रन बनाना आसान नहीं था, जबकि बल्ला हाथ में होने पर थॉमस एक विस्फोटक बल्लेबाज थे और अपने दिन वो किसी भी गेंदबाजी लाइनअप की बखिया उधेड़ने का दम रखते थे। यही वजह है कि केन्याई कमेंटेटर थॉमस को महान इंग्लिश ऑलराउंडर यान बाथम की तर्ज पर ब्लैक बॉथम कहते हैं। कमजोर टीमों के महान खिलाड़ियों की लिस्ट में अगला नाम है असगर अफगान, अफगानिस्तान। असगर स्टेनी कजाई के नाम से क्रिकेट करियर शुरू करने वाले असगर अफगान उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने अफगानिस्तान टीम को विश्व क्रिकेट में बड़े ओहदे तक पहुंचाने का खास योगदान दिया है। असगर अफगानिस्तान के लिए वनडे और टी20 दोनों में इंटरनेशनल कैप पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, जबकि टेस्ट में वो अफगानिस्तान के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आज जिस बेबाक और निडर अफगानिस्तान फ्लेवर की पूरी दुनिया तारीफ करती है, असगर अफगान उसके सूत्रधारों में से एक हैं। यही वजह है कि असगर कमजोर टेक्निक और शॉर्ट टेम्पर रवैये के बावजूद उन्हें अफगान टीम का रीढ़ कहा गया और उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में हैं, क्योंकि असगर अपने डिफेंस से ज्यादा अटैक पर भरोसा करते हैं। इसलिए उनके नाम के आगे 114 वनडे और 75 टी20 मैचों में कुल 3807 अंतर्राष्ट्रीय रन नजर आते हैं, मगर इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अपने करियर के दौरान इन्होंने जो 2 शतक और 1968 लगाए हैं वो सब अफगानिस्तान की जीत का आधार भी थे। खास तौर पर असगर की साल 2014 में बांग्लादेश के विरुद्ध वनडे में खेली गई नाबाद 90 रनों की पारी नारद टीवी की भी पसंदीदा पारियों में से एक है। इस साल हुई टी20 विश्व कप में असगर ने संन्यास की घोषणा कर दी और अपने शानदार क्रिकेट सफर पर पर्दा गिरा दिया। अगला नाम है हीथ स्ट्रीक, जिम्बाब्वे। यूँ तो जिम्बाब्वे क्रिकेट इतिहास में बड़े खिलाड़ियों की भरमार है, जिसमें फ्लावर ब्रदर्स, नील जॉनसन, एलियस्टर कैंपबेल और हेनरी ओलंगा जैसे कई नाम हैं। मगर हीथ स्ट्रीक को इन खिलाड़ियों से अलग इसलिए गिना जाता है क्योंकि वो जिम्बाब्वे के सबसे बेहतरीन और सबसे बुरे दोनों दौरों के गवाह रहे हैं। इस दाएं हाथ के गेंदबाजी ऑलराउंडर ने विश्व क्रिकेट में अपना लोहा तब भी मनवाया जब जिम्बाब्वे क्रिकेट ढलान की ओर था। स्ट्रीक एक खिलाड़ी के तौर पर जिम्बाब्वे के साथ 1993 से 2005 तक जुड़े रहे। इस दौरान हीथ ने 65 टेस्ट और 189 वनडे मैच
खेले जिनमें उन्होंने क्रमशः 216, 239 और 239 विकेट भी लिए। साथ ही हीथ ने 24 अर्धशतक और एक शतक के साथ 4,842 इंटरनेशनल रन भी बनाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हीथ के 450 से ज्यादा विकेट और करीब 5,000 रन इस बात की गवाही देते हैं कि क्यों हीथ स्ट्रीक को विश्व क्रिकेट के टॉप ऑलराउंडरों में शुमार किया जाता है। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद हीथ स्ट्रीक 2016 तक जिम्बाब्वे के कोच भी रहे, जिस महान ऑलराउंडर और जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए सबसे मुश्किल दौर था। हमारे इस लिस्ट के आखिरी खिलाड़ी वो हैं जिनके नाम से हमने ये एपिसोड शुरू किया था, रायन टेन डोशेट, नीदरलैंड्स। साउथ अफ्रीका में जन्मे रायन टेन डोशेट को एसोसिएट क्रिकेट इतिहास का बेस्ट प्लेयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसकी गवाही उनके वनडे और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के जादुई आंकड़े देते हैं। 41 साल के रायन अभी तक कुल 33 वनडे मैचों में 67 की लाजवाब औसत से 1,541 रन बनाए हैं, जबकि T20 जैसे तेज फॉर्मेट में भी डोशेट की औसत 44.45 है। डोशेट की प्रतिभा को पहली बार साल 2003 में इंग्लिश कोच ग्राहम गूच ने अफ्रीका दौरे पर पहचाना। फिर डोशेट ने डच नागरिकता हासिल करते हुए 2005 में नीदरलैंड्स के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया और उसी साल से एसेक्स काउंटी टीम के साथ बतौर यूरोपियन खिलाड़ी जुड़ गए। डोशेट ने 2003 से लेकर अब तक खेले 203 फर्स्ट क्लास मैचों में 11,298 रन बनाए हैं, जो कि साफ कर देते हैं कि अगर रायन किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन में जन्मे होते तो आज विश्व पटल पर उनका अलग नाम होता। भारत में डोशेट को विश्व कप 2011 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेली गई उस शतकीय पारी के बाद तब और भी ज्यादा पहचान मिली जब वो IPL कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले पहले एसोसिएट प्लेयर बने। हालांकि 41 साल के डोशेट का क्रिकेट करियर अब ढलान की ओर है, मगर उनके लाखों फैंस चाहते हैं कि डोशेट जब क्रिकेट को अलविदा कहें तो उन्हें एक महान खिलाड़ी के तौर पर याद रखा जाए। TV के अनुसार रायन टेन डोशेट ये सम्मान डिजर्व भी करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कमजोर टीमों के वो 5 खिलाड़ी अपनी टीमों के लिए जिनका योगदान एक मिसाल है। हालांकि हमारी इस लिस्ट में अभी और नाम भी बाकी हैं जिनका जिक्र हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, इसलिए आप अपने फेवरेट एसोसिएट प्लेयर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इस वादे के साथ कि अगर इस भाग पर आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम जल्द ही लौटेंगे इसका तीसरा पार्ट लेकर। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।